हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। और 7:30 बज गया है और आपको 7:30 बजे से बताए थे कि आपका कड़वक चल रहा था और हिंदी में कड़वक का जो है 12th क्लास का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। देखो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और लाइक जरूर करना, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे समझो कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे बताएंगे और आपको कुछ समय भी देंगे। कमेंट में, लाइव चैट में आकर, ऐसे कमेंट नहीं करना, लाइव चैट में आकर, लाइव चैट में आकर के आप जो है यहाँ पे आंसर बताते रहे। ए होगा, बी होगा, चार ऑप्शन देंगे, कुछ देर समय देंगे, 10 सेकंड आप बताइएगा जरूर, फिर हम उसका आंसर भी बता देंगे। अभी बता दें कि जितना भी जो क्वेश्चन अभी हम बताएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन वाले होंगे, जितने हम क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम पे ही रहेगा और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो बिहार बोर्ड का, हिंदी मीडियम वालों का, हिंदी सब्जेक्ट का, तो वो हिंदी जो होगा ना, जितना ऑप्शन हम देंगे सेम ऑप्शन बाय ऑप्शन आप लोग का एग्जाम में भी रहेगा। तो पूरा रट्टा मार लीजिएगा। और इसके पीडीएफ की अगर हम बात कर ले तो इनका जो पीडीएफ होगा, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, गर्ल्स और बॉयज को भी हो मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, स्क्रीन पर जो आती रहती नीचे चल रही है उसमें भी आपको व्हाट्सएप नंबर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं और पहला क्वेश्चन पे बात करते। देखिए, बढ़िया से समझिएगा, एक एक बात जो है अच्छे समझना। तो आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि कड़वक के कवि कौन है, कड़वक के कवि कौन है। ऑप्शन ए में दे रखा है कबीरदास, ऑप्शन बी में दे रखा है सूरदास, और ऑप्शन सी में दे रखा है मलिक मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन डी में दे रखा है नभादास। कमेंट कीजिए जल्दी से लाइव चैट में आके, बाबू लाइव चैट में लाइक करो, लाइव चैट में आकर के आप कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कड़वक की जो है, कड़वक के कवि कौन है, कड़वक जो है उस कड़वक का कवि कौन हो जाएंगे। तो आपको बताए थे पहले भी कि कड़वक सबसे शुरू में ही कल की क्लास में, कि जो कड़वक होते हैं, कड़वक जो कविताएं लिखी गई है, जो कड़वक लिखा गया है, उनका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। सबका लगभग लगभग आंसर सही है, सबका आंसर सही है, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, पहला का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, ठीक है, आपको आंसर लिखा होगा। चलिए आइए आगे समझ लीजिए। आगे कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। ए बाबू पढ़ो तो बढ़िया से, ठीक है, टप टप नहीं आंसर मारो, ठीक है। आप, अच्छी बात है कि आप बहुत तेज हैं, लेकिन थोड़ी सी धैर्य रखिए, क्योंकि आप ज्यादा तेज भी बनना उचित नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी? ऑप्शन ए में दे रखा है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी में कड़वक, और ऑप्शन सी में उषा, और ऑप्शन डी में हार जीत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है, अभी अभी जस्ट बात की पहला क्वेश्चन में, कड़वक, क्या है उनकी कविता? कड़वक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन कहता है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो कब हुआ था बताइए। ऑप्शन ए में देख रखा है कि 1450 ईस्वी, ऑप्शन बी दे रखा है 1485 ईस्वी, ऑप्शन सी दे रखा है 1492 ईस्वी, और ऑप्शन डी में है 1496 ईस्वी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? एक अनुमानित जन्म था, लगभग माना गया था 1492। सबका राइट आंसर है, ठीक है। एक दो बच्चे देखो बाबू, 1492 पिछला क्लास अगर आप नहीं किए तो जाकर के जरूर, पीछे वाला वीडियो है जाके सुन लेना, देख लेना, ठीक है। जायसी का जन्म, अगला क्वेश्चन कहता है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जायसी का जो जन्म हुआ है वो किस प्रदेश में हुआ है बताइए जल्दी, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जायसी का जो जन्म हुआ है वो किस प्रदेश में हुआ है। तो जायसी का जो जन्म हुआ है क्या हो जाएगा राइट आंसर,
कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जायसी किस तरह की कवि है? कल भी बताए थे, जायसी ऑप्शन ए में दे रखा है भक्ति कवि है, ऑप्शन बी सूफी कवि है, ऑप्शन सी श्रृंगारी कवि है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर बताइए। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो है बताए थे, इनके गुरु भी जो थे सूफी संत थे, तब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जायसी हैं वो जायसी भी सूफी संत के कवि हो गए, यानी कह सकते हैं कि जायसी किस तरह की कवि हो गए? सूफी कवि हो गए। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? कहाँ उनका जन्म हुआ था, किस जगह पे? याद है ऑप्शन ए में दे रखा इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी में दे रखा है अमेठी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कि जायसी का जो जन्म हुआ था, हाँ बाबू गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जायसी का जो जन्म हुआ था, कमेंट कर रहा है गुड इवनिंग सर। तो चलिए देखिए, जायसी का जो जन्म हुआ था वो आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और अमेठी स्थान पे हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होंगे आपका? ऑप्शन नंबर डी अमेठी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जायसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में शेख मोहम्मद, ऑप्शन बी शेख ममरेज, ऑप्शन सी शेख परवेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। जायसी के जो पिता थे, जायसी के मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिता हैं, उनका क्या नाम था? हाँ आंसर सही आ रहा सबका। तो देखिए बता देते हैं हम आपको कि जायसी के जो पिता थे ना, उनके पिता का नाम था शेख ममरेज। क्या नाम था? शेख ममरेज। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जायसी थे, ऑप्शन ए में दे रखा है धनवान थे, यानी धनवान का मतलब समझ रहे ना अमीर, ऑप्शन बी पहलवान थे और ऑप्शन सी में दे रखा फकीर थे और ऑप्शन डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन से काम करते थे? अमीर तो थे नहीं, बचपन से अनाथ थे, फकीरी जीवन बीता था उनका। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फकीर। ठीक है अगला क्वेश्चन, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ऑप्शन ए में दे रखा है ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी में दे रखा है प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी और ऑप्शन डी सदगुण भक्ति का। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? आपको पता है यहाँ पे कहा गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी के जिसने कविता को सुना है, मलिक मोहम्मद जायसी कविता को जिस व्यक्ति ने सुना है उसे प्रेम की पीड़ा हो गई, यानी प्रेम मार्ग के थे तभी ना प्रेम की पीड़ा हो जाती थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी प्रेम मार्गी शाखा। अगला क्वेश्चन, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए में दे रखा है खड़ी बोली, ऑप्शन बी में दे रखा है व्रज, ऑप्शन सी में है अवधि और ऑप्शन डी अरबी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, यानी जायसी की जो लिखने की काव्य भाषा है, जो जायसी कविता लिखते हैं वो किस भाषा की वो ज्यादा प्रयोग करते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? अवधि भाषा, याद रखिएगा अवधि भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है बात्सल रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है ना, जायसी के काव्य जो पढ़ते हैं आप, उनमें मुख्य जो रस पाए जाते हैं वो श्रृंगारिक रस है। रस और छंद दोनों हम पढ़ाएंगे व्याकरण में, ठीक है? रस और छंद पढ़ाएंगे जिस दिन व्याकरण समझ में आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे राइट आंसर कर लीजिए कि राइट आंसर हो जाएंगे बी श्रृंगार रस। ठीक है आगे, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ऑप्शन ए में दे रखा है प्रेम के द्वारा, ऑप्शन बी भक्ति के द्वारा, ऑप्शन सी रक्त रूप लेई द्वारा और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई। तो आपको बताया था मलिक मोहम्मद जायसी किसके द्वारा कहा था मैंने इस कविता को जोड़ा है, किसके द्वारा जोड़ा है? याद है ना रक्त के लेई के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे।
चलिए। हाँ बच्चा लोग सबका सही है, तुम्हारा नाम लेना जरूरी नहीं है। चलिए आगे कहता है, जायसी ने रत्न से, पढ़ने आया हो पढ़िए ठीक है, अब आपका नाम लेके, सर हमारा नाम ना ले रहे हैं, कहा ले लेंगे, अब पढ़िए ना, पढ़े आए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके साथ सींचा है, यानी कहता है किसके द्वारा हमने इसको सींच दिया है, यानी तो राइट आंसर क्या होगा, यहां पे ऑप्शन ए में दे रखा है अपने आंसू से, ऑप्शन बी में दे रखा है गंगा जल से, ऑप्शन सी में है जल से, और ऑप्शन डी इनमें से किसी ने। तो बताए थे ना, गाढ़ी प्रीति नैने जल भेई, यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस कविता को गाढ़ी प्रीति नैन, यानी जल, यानी कहते गाढ़ी प्रीति नैन का मतलब क्या, नैन मतलब आंख और जल का मतलब आंख के आंसू, यानी कह सकते राइट आंसर होगा अपने आंसुओं से सींचे हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान कहा है, वो कौन से दोष है उनमें जी फिर भी गुणवान है, ऑप्शन ए में दिया रखा है जीवा दोष, ऑप्शन बी नेत्र दोष, ऑप्शन सी में दिया है अंग दोष, और ऑप्शन डी श्रव दोष। तो बताइए जायसी में कौन सा ऐसा दोष था फिर भी वो महान, राइट आंसर क्या होगा, एक नैन से दोष थे, यानी ए बायां जो आंख है वो बायां आंख से वंचित थे, उनका बायां आंख खराब था, कान थे बायां आंख से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नेत्र दोष। आगे कहता है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन ए में दिया सरोवर की भांति, ऑप्शन बी कुएं की भांति, ऑप्शन सी समुद्र की भांति, और ऑप्शन डी नदी की भांति। यानी बताए थे यहां पे एक पंक्ति आई थी, किन्हा समुद्र जो पानी जो खारा, यानी यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि समुद्र कितना भी बड़ा है उसी समुद्र के विशाल समुद्र के जैसा इनका हृदय है, मलिक मोहम्मद जायसी का हृदय है, उन्हीं की भावना के व्यक्त करते हैं, इनमें दोष होते हुए भी बहुत बड़े महान हैं। तो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी समुद्र की भांति, ठीक है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो है कहता है यहाँ पे कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेम के पीर के कवि। तो देखिए अभी हम बात किए थे कविता में भी और कल के क्लास में भी बताए थे कि प्रेम जो, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो प्रेम मार्गी की कवि है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए में दे रखा है जायसी, ऑप्शन बी में दिया है नभदास, ऑप्शन सी में दिया है सूरदास, और ऑप्शन डी में दिया है कबीरदास। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, कहता इनमें से प्रेम के पीर के कवि, तो प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे, कौन होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जायसी। अगला क्वेश्चन, कड़वक कहां से लिया गया है, ऑप्शन ए में दे रखा है आखिरी कलाम, ऑप्शन बी में दे रखा है अखरावट, और ऑप्शन सी में दे रखा है मधुमालती, और ऑप्शन डी में दे रखा है पद्मावत। तो बताइए यहां पे देखिए जो कड़वा की कविता है, इस कविता को कहां से लिया गया है, मतलब किसके अंतर्गत ये रखा गया था, कहां से उदित हुआ है। तो देखिए बात समझिएगा, कड़वा की जो कविता है, कड़वा जो लिया गया था वो पद्मावत से लिया गया था। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएंगे वो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी पद्मावत। आगे कहता है, कड़वक के रचयिता, रचयिता का मतलब क्या होता है, लेखक, लिखने वाले, रचना करने वाले को रचयिता बोलते हैं। तो कड़वक के रचयिता है, ऑप्शन ए में दे रखा है सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी जायसी, और ऑप्शन डी तुलसीदास। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, कि कड़वक के जो रचयिता है वो कौन है, कड़वा किसने लिखे थे, मलिक मोहम्मद जायसी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जायसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जायसी रचित, जायसी रचित का मतलब क्या हो गया, जायसी के द्वारा रचा गया है कौन, पद्मावत की भाषा क्या, ऑप्शन ए में दे रखा है अवधि, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, और ऑप्शन डी मैथिली। तो यानी जायसी ने पद्मावत लिखा है, रचना किया है,
तो जायसी ने जो पद्मावत की रचना किया है वह पद्मावत किस भाषा में है? क्या हो जाएंगे राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधि। जी हाँ, अवधि। उसके बाद आगे है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन ए में दिया है सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी सगुन राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन सी प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा और ऑप्शन डी संस्कृत काव्य परंपरा। तो देखिए एक बात समझिए, अभी कई बार यहां पे बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो जो मेरी कविताओं को सुनता है, जो जो मेरी बातों को सुनता है, उसे प्रेम की पीड़ा हो जाती है। तो वो प्रेम को प्रचार करने वाले हैं, प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम की भाषा बताते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? यानी उपमा का मतलब यहां पे हो गया तुलना, आंख की तुलना किससे किया है? कमल से, कुमुद से, सरोवर से, दर्पण से। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? कविता पूरा पढ़ लिए, दर्पण से होगा। देखो कुछ लोग जो है कमल मार ले, कमल नहीं बाबू, कमल राइट आंसर किस होगा, क्योंकि दर्पण के बारे में बताए थे ना कि मेरा एक ही नेत्र है लेकिन दर्पण के समान यानी कांच के समान निर्मल है, बताए थे नहीं बताए थे कविता में? तो राइट आंसर क्या होंगे? डी दर्पण। आगे, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? देखिए आ गया ऑप्शन ए प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन सी राम मार्गी और ऑप्शन डी कृष्ण मार्गी। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? किम कहता है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि, कौन से शाखा है? तो प्रेम करते थे, लोगों को प्रेम की बातें बताते थे, प्रेम के प्रचार करते थे, तो यहां पे क्या हो जाएंगे? प्रेम मार्गी शाखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कृति का मतलब जो चार वे ऑप्शन दे रखा है, लिखा गया रचना, इनमें से कौन जायसी का लिखा गया नहीं है? ऑप्शन ए में पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम और ऑप्शन डी मृगावती। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? बताइए जल्दी। देखिए यहां पे समझिएगा, कौन सी कृति जायसी की नहीं, तो जायसी जो लिखे नहीं है वो मृगावती, मृगावती का रचना जायसी ने नहीं किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन कुतुबन की और ऑप्शन सी जायसी का और ऑप्शन डी मंडल की। तो बताइए पद्मावत को किसने लिखा था? अरे कृतियां जब पढ़ा रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी के, तो उसमें बताए थे ना कि पद्मावत आखिरी कलाम ये सब का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी जायसी। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जितना था मलिक मोहम्मद यानी कड़बक से बता दिए, 22, 23, 24 जो भी हो आपको बता दिए, और जो ऑप्शन दिए ना सेम ऑप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। सारे का अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर में व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिले जाएगा। और प्रतिदिन लाइव क्लास 7:30 बजे जुड़ जाइए। कल का क्लास तो बहुत देर चला है, आज तो बहुत छोटा सा क्लास चला है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करानी थी। तो प्रतिदिन लाइव आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और अभी जाने से पहले बता दूं, शायद देखो कुछ समय मिलता है तो हो सकता है कि 11th वालों को वो बायोलॉजी का क्लास हो जाएगा, या फिर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है?